वेलकम टू माय क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे दिस इज डब्ल्यू ए सी सी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट इज बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट्स आइए आईगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना के दे दिया गया सो एज टू सेव टाइम यहां पर मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करूंगा द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी लिमिटेड इज गिवन बिलो फाइंड आउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डब्ल्यू ए सी सी बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट्स। मुझे यहां पर एक बहुत बड़ी टेबल दी गई है जिसके अंदर बहुत सारी इनपुट्स हैं सोर्सेस इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर टेन परसेंट डिवेंचर्स एंड रिटेन अर्निंग्स इनकी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूस दी गई है फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें नंबर ऑफ शेयर और डिवेंचर्स दिए गए हैं सेकेंड कॉलम के अंदर हमें इनकी फेस वैल्यू दी गई है और रिटर्न अर्निंग हमारे पास ट्वेंटी थाउजेंड की है ये इक्विटी शेयर फेस वैल्यू दस रुपए की है पर यह मार्केट के अंदर ट्वेल्व रुपीज पे बिक रहा है प्रेफरेंस शेयर एट पार बिक रहा है और डिबेंचर टेन परसेंट के डिस्काउंट के ऊपर बिक रहा है नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें यहां पर दी गई है बुक वैल्यू वेट्स के लिए मुझे यहां पर टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करना है सो दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू आई प्रसेंट मैंने हैंडल को सिलेक्ट करके डाउन कर दिया रिटेन अर्निंग की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर ट्वेंटी थाउजेंड ही रहेगी सो so मैंने ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया नाउ आई नीड टू यूज द सम फंक्शन टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू मैंने ये कंप्लीट रेंज को यहां पर दे दिया एच फाइव टू एच एट क्लोज आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई वन थर्टी थाउजेंड रुपीस मैं यहां पर अब इनको वेट्स असाइन करूंगा दिस इज इक्वल टू एच फाइव डिवाइडेड बाय फोर टू इट आई प्रेस एंटर मेरे पास इक्विटी शेयर का वेट निकल कर आ गया और मैंने फिलहर को ड्रैग कर दिया मेरे पास इन सभी के वेट्स आ गए हमने जिस पर्टिकुलर को यहां पे यूज किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूं अब मुझे वेटेड कॉस्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। ऑफ़ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय वेट्स मेरे पास यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल की वेटेड कॉस्ट आ गई मैंने हैंडल को ड्रैग डाउन कर दिया नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द टोटल सो आई एम यूजिंग सम फंक्शन जे to J8 parenthesis close. I press enter. इस जगह के ऊपर मैं ये वेटेड कॉस्ट को लिख रहा हूं दिस इज इक्वल्स टू J9. नाइन दिस कम्स टू टेन पॉइंट टू परसेंट यहां पर हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए असाइंड वेट्स का यूज किया है लेकिन हम चाहे तो इन असाइन वेट्स का यूज किए बिना भी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं मैं यहां पर टोटल वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा हूं दिस इज इक्वल टू इक्विटी शेयर का नंबर फोर थाउजेंड है दिस इज मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू वी गॉट दी टोटल वैल्यू मैंने फिल हैंडल को ड्रैग कर दिया यहां पर मैं रिटर्न अर्निंग की वैल्यू सेम ले लूंगा और अब मैं इनका सम कर रहा हूं इक्वल टू सम

तो मैंने लेफ्ट साइड से सम के फंक्शन को राइट right साइड पे कॉपी कर दिया हमने जिस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यहां यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूं नाउ आई नीड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट असाइनिंग वेट्स दिस इज इक्वल्स टू एच एटीन डिवाइडेड बाय जी एटीन दिस अगेन कम्स टू टेन पॉइंट टू परसेंट सो so स्टूडेंट हमने यहाँ पर ए लिमिटेड के कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर दिया ऑन बुक वैल्यू वेट्स फर्स्ट इंस्टांस के अंदर हमने यहाँ पर वेट्स को यूज़ किया है सेकेंड केस के अंदर हमने विदाउट असाइनिंग वेट्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट किया है मैं उम्मीद करूँगा अब इस तरह का क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा Thank you very much.